हम झुंझुनू के लिए एक ही बात करना चाहते हैं कि हमें नहीं चाहिए बेहतरीन, हम बेहतर में ही खुश हैं। हमें बेहतरीन नहीं, जो आज भी कहीं भी अगर इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे ये बताने की जरूरी नहीं होती है कि हम राजस्थान के झुंझुनू से हैं। वहाँ पे एक ही टैग रहता है कि आरजे ठहरा, तो हम नहीं चाहते कि हमारे से हमारा टैग भी छीना जाए, सीधी सी बात ये है। राम राम, मैं सुनील राजेश भाई के स्वागत है, देख रहे हो किसान फोक्स चैनल। दोस्तों जब भी सरकार कोई मुद्दों बनावे नयो, कुछ नयो करे, तो भी के सागे सागे के करेगी, कुछ एक आधी चीज़ें हैं कि फेंकेगी मार्केट में, जो जनता भी लेके एक साइड में लागी रहे। भाई बात और हुई है कि जब नीम का थानो नयो जिलो बनाया जा रहा है, तो जो गुड्डो क्षेत्र है वो एक मुद्दों ही साबु बना दियो कि पब्लिक के सागे लूमी रहेगी, जिलो तो वो बन होता है। तो मामलो के साहब को है, अभी ए भाई साहब बैठे हैं जितना भी आफान बता सी, खास करके सुदिंदर मूंड। सर्वप्रथम तो आपके दर्शकों को मेरी तरफ से सबको राम राम। हम लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, सब साथी बैठ के, सब अलग अलग गांवों से, पंचायतों से, हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हम ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई नीम का थाना हम क्यों जाए, जब हमारी दूरी यहाँ से, जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से मैक्सिमम दूरी झुंझुनू की 20 किलोमीटर है, तो मैं 80 किलोमीटर क्यों जाऊँ। इसके अलावा चाहे वो हमारी रीति नीतियाँ हों, जलवायु हो, भौगोलिक स्थितियाँ हों, वो सब नीम का थाना से विभिन्न और छिन्न भिन्न है। तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक जो लोग हैं वो ये जो हमारा जो बेल्ट है, जो मरुस्थली बेल्ट जिसको हम बोलते हैं, उदयपुर वाटी से लेकर और जो बड़ा गांव तक का बेल्ट है, इसको जानबूझ के एक साजिश के तहत नीम का थाना में शामिल करवाना चाहते हैं। यहाँ का नौजवान बैठा है, हम लोगों ने तय किया है कि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक मंच के, हम लोग संपूर्ण उदयपुर वाटी के लोग एक उदयपुर वाटी बचाओ जन संघर्ष समिति हम बना रहे हैं और उसके नीचे हम सब लोग मिलकर, खास करके यहाँ का नौजवान और यूथ मिलकर, एक ये जो संघर्ष समिति हमने गठित की है, इस संघर्ष समिति को हम प्राथमिक रूप में SDM महोदय के मार्फत मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। उसके बाद जो ये कमेटी है जिसके अध्यक्ष राम लुबाया जी हैं, हम उनसे मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। ये जो बातें हैं ये सिर्फ महज एक जिला बनने की बात नहीं, इससे हमारी पीढ़ियों को जिंदगी भर का, पुराने लोगों का, आने वाली पीढ़ियों का, सबका भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। और जो दूरी की बात जहाँ तक आप सब लोग कह रहे हो, उदयपुर वाटी से नीम का थाना की जितनी दूरी पड़ती है उतनी दूरी झुंझुनू की पड़ती है, तो क्यों लोग, कोई तो रीज़न होगा, कोई विशेष रीज़न हमें सरकार बताए या जो ये जिला बन रहा है प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बताए कि क्यों वो लोग हम लोगों को उदयपुर वाटी को झुंझुनू से अलग करना चाह रहे हैं। उदयपुर वाटी के लोग, उदयपुर वाटी विधानसभा के लोग, जो लोग झुंझुनू में रहना चाहते हैं उनका हम इस संघर्ष समिति में सबका स्वागत करते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं और हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि हम मजबूती से, ये कोई पर्टिकुलर लड़ाई नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, हम इसको मजबूती से लड़ेंगे, चाहे वो विधिक राय की बात हो, चाहे वो सड़क पे लड़ने की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह का संघर्ष हो। ये जो नौजवान यहाँ बैठा है, आप हर पंचायत स्तर पे हमने ये फैसला किया है कि स्टार्टिंग में हम 10-10 लोगों की एक कमेटी बनाएंगे जो गाँव में लोगों को जागरूक करेगी, उसके बाद मजबूती से, चाहे वो जिले के जनप्रतिनिधियों से मिलने की बात हो, चाहे वो आपके जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, डेलीगेट, जिला परिषद सदस्य हैं, उनसे ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की बात हो, किसी भी तरह की लड़ाई के लिए ये यूथ है, ये लामबंद है और हम एक जन संघर्ष समिति के बैनर तले मजबूती से इसको लड़ेंगे। और कोई भी ये नहीं है कि भाई जो अगर नीम का थाना में शामिल होना चाहते हैं तो हम उसके लिए, तो उनको ये नहीं कह सकते कि आप शामिल क्यों होना चाहते हो, पर खास करके जो इंद्रपुरा से और आपके इंद्रपुरा उदयपुर वाटी और ये बड़ा गांव तक का जो बेल्ट है, इसमें हमने लोगों से चर्चा की, यहाँ के लोग नीम का थाना में शामिल नहीं होना चाहते, तो हम मजबूती से उनकी इस लड़ाई को सब लोग मिलजुल कर लड़ेंगे। उदयपुर वाटी का जो यूथ है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ संघर्ष की गाथाएँ लिखी गई हैं, यहाँ के लोग लड़ना जानते हैं, मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे और हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं संघर्ष समिति के माध्यम से कि किसी भी हालत में जो ये उदयपुर वाटी से लेके जो बड़ा गाँव तक का बेल्ट है, इसको हम नीम का थाना में शामिल नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें जनप्रतिनिधियों से मिलना पड़े, सड़क पर संघर्ष करना पड़े, चाहे विधिक राय लेनी पड़े, चाहे हम इसके लिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी अगर जाना पड़ेगा, तो हम सीनियर एडवाइज़र, सीनियर काउंसिल के लोगों से मिलेंगे। पर इसको चीज़ें हो रही हैं, इसके राजनीतिक दूरगामी राजनीतिक प्रभाव हैं इसके, और ये जनता को समझ भी आ रहा है, यहाँ के स्थानीय विधायक जी, मंत्री जी का इसके बारे में नहीं बोलना, सारी चीज़ें लोगों को समझ आ रही हैं और जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता अच्छे से समझ रही है।
पर मुझे नहीं लगता कि जब चाहे कोई भी सरकार हो, अगर सरकार के खिलाफ जनसंघर्ष हो और जनता अगर सड़क पर खड़ी हो तो किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो जनता के खिलाफ इस तरह के कड़े फैसले ले सके। आज हम सब सारे भाई लोग बैठे हैं, हमने सबसे पहले तो ये तय किया है कि हम किसी भी राजनीतिक मंच के नीचे और किसी भी पार्टी राजनीतिक पार्टी के नीचे इस आंदोलन को खड़ा नहीं करेंगे। यह आंदोलन राजनीति से परे और हम नौजवानों का यह आंदोलन रहेगा। इसके लिए हमने उदयपुर वाटी बचाओ जन संघर्ष समिति का ऐलान किया है। धीरे धीरे हम ये जो जन संघर्ष समिति है इसकी कमेटियाँ गठित करेंगे। इसमें जो प्रारंभिक हमने जो ये किया है तय किया है कि 4 तारीख को 12:15 बजे उदयपुर वाटी तहसील खंड के ऊपर SDM के मार्फत हम मुख्यमंत्री जी को, राम लुबायस जी जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं, दोनों को ज्ञापन देंगे। मैं निर्मल, नीम का थाना अगर जिलों बना तो मन कोई एतराज गुना बढ़िया है, बन रहा है, लेकिन नीम का थाना जिले में जो उदयपुर वाटी तहसील का जो मतलब गांव शामिल कर रहे हैं बहु माने एतराज है, क्योंकि की दूरी है 70-80 किलोमीटर, और जब 70-80 किलोमीटर नीम का थाना में कोई भी छोटा मोटा काम के लिए एक आम आदमी एक आम नागरिक जाओगे तो जाके वापिस आओगे तो वो वापिस शाम तक उन्यास के उन होटल पर कोई लेना पड़ेगा, और बड़े भी बेचारो गरीब है किसान परिवार बिलोंग करे तो वो एक नामुमकिन है, और व्यवसायिक शैक्षणिक दृष्टियों भी नीम का थानों कोई झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी तहसील कोई मैच कौन खावे, और झुंझुनू जिलों में जो उदयपुर वाटी है झुंझुनू जिले का जो लोग ही बाकी आन झुंझुनू जिलों आन बान शान है लोगों के दिल में बसे है, तो मैं कदे यह बात स्वीकार कौन करांगा कि नीम का थाना के अंदर जावा। हाँ वह लोग जा सके जगह आपकी सहमति हूँ जानो चाहूँ वह लोग जा सके बाकू मैं स्वागत करा, लेकिन उदयपुर वाटी तहसील को कभी भी नीम का थाना में शामिल मतलब नहीं होने देंगे, हम अपना प्रयास करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। मैं सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम। ये जो जिले बनाने की जो सूचना अभी हमने न्यूज़पेपर में पढ़ी है, अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये 50 साल से चलती आ रही है, यहाँ के नीम का थाना के जो निजी विधायक हैं उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये काम किया है। हो सकता है कि ये राजनीति चमकाने का काम होगा, लेकिन अगर नीम का थाना जिला बनता है तो पिछड़ा हुआ है इलाका, उसका विकास होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, जैसे इंद्रपुरा से लेके इधर बड़ा गांव नाटास बोड़वाल सलसर तक की जो पंचायतें हैं, उनकी दूरी लगभग 80 किलोमीटर तक नीम का थाना की पड़ती है। नीम का थाना की 80 किलोमीटर दूरी, पहली बात तो दूरी ज़्यादा, रोड सुविधा अच्छी नहीं है, और अपन सीधी सी बात करें तो नीम का थाना पहुँचने के लिए हमें 2 या 3 बस बदलनी पड़ती है। इसके लिए लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है, और हम 4 अक्टूबर को उदयपुर वाटी SDM को ये ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी के नाम कि हमारी जो ये नीम का थाना का जो नया जिला बन रहा है उसमें हमारी जो पंचायत है उनको शामिल नहीं किया जाए। अगर इनको शामिल किया जाता है तो हम पुरजोर इसका विरोध करेंगे कड़े शब्दों में, और जो भी करना पड़े हम हर संभव प्रयास करेंगे और हमारी पंचायतें उनको बचा के रहेंगे, ये हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। धन्यवाद। नीम का थाना सीकर जिले में आता है, और सीकर जिला पूरी हम अपन मान के चलें कि अच्छा डेवलप है, एजुकेशन के मामले में देखें या और भी किसी क्षेत्र में देखें तो सीकर जिला काफ़ी डेवलप है, लेकिन नीम का थाना सीकर जिले का एक हिस्सा है लेकिन वो डेवलप नहीं है, कारण उसकी दूरी ज़्यादा है, और इसी दूरी का दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। आने वाली पीढ़ियाँ हमें इस बात का उलाना देंगी जो हम कभी नहीं लेना चाहेंगे। वर्तमान में नई परिस्थितियाँ बनी है, नीम का थाना नया जिला बनाने की बातचीत चल रही है, तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है वो नीम का थाना जिला से अलग हैं, और हमारा जो ज़िला झुंझुनू है उससे हमारी जन भावनाएँ जुड़ी हुई हैं और उससे हमारा अति स्नेह और लगाव रहा है, तो हम झुंझुनू ज़िले से किसी भी सूरत में अलग नहीं होंगे। उसके लिए हमें जो भी जन आंदोलन करना पड़े, जो भी उचित कदम जो ये हमारी कमेटी बनाई है वो उठाएगी, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे, और किसी भी हद तक जाना पड़े हम किसी भी सूरत में झुंझुनू से अलग होकर नीम का थाना जिले में विलय नहीं होने देंगे उदयपुर वाटी का। अभी तारीख की अपील रसी हमने गुड्डा तहसील का और खासकर उदयपुर वाटी का तहसील का लोगों ने, मेरे सभी लोगों से ये अपील है कि ये जो गलत तरीके से उदयपुर वाटी को तोड़कर नीम का थाना में जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है इसके खिलाफ सभी लोग एकजुट हों और एक जन आंदोलन एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करें, जिससे जो ये कमेटी बनाई गई है उसको एक मुँह तोड़ जवाब मिलेगा कि ये सही नहीं है, ये भौगोलिक और पारिस्थितिक दृष्टि से भी सही नहीं है, और हमारा जो स्नेह और लगाव शुरू से ही झुंझुनू से रहा है, और जो RJ18 वाली जो फीलिंग है वो नीम का थाना वाले ज़िले में आने वाली नहीं है, हमें तो हम RJ18 से अलग किसी भी सूरत में नहीं होंगे।
अरे काटू तो मैं कोने पण मार लो साला यो बहुत दो रहेगा थोड़ा दूसरा कौन लियो यार हम दूसरा संसद की बात कर रहे हैं सहमत होगी चीज ना साहब को ना सहमत के कारण होने कारण ये होगी पहले तो 70 किलोमीटर दूर है फिर हर एक आदमी घर पांच आदमी ही पांच के पांच पांच आईडी वन चेंज कराने नीम का थाना कागज बनवाऊंगा बस प्रशासनिक काम है ना प्रशासनिक काम ही तो चक्कर तो मैं नहीं काटना पड़ेगा ना चक्कर तो मैं ही काटांगा फिर मैं नीम का थाना जाऊंगा और बाद दूसरी सब बड़ी बात की आज अठारह टेक है जगह लिया आज जामिया जना टाउन चल रहे हैं आज कोई खोज लेगा ना के मतलब है मैं तो कौन जावा साहब नीम का थाना हां थारो के विचार है मेरा इंस्टाग्राम यूजर नाम थे जन्म लेवा आपा शुरू सु वही चीज सीखा आपा झुंझुनू जन्म लियो सारी वेशभूषा बोलचाल सब कुछ आपा झुंझुनू को सीखियो जामिया जदू नाम भी आपा झुंझुनू ही जाना हां अपना बड़ा होगा अब भी आपा झुंझुनू अगर छुटवा तो यहां लागे जानो आपने जब बसाओं बा फैक्ट्री निकली है बा कब अपना घर छुटाए ही भैया लागे कि आपनो जिलो छुटवा रहे ही एक देखो तो मास्टर भाई को जहां कुंवर अपना गमा जाए कोई पहले तो ब्याह हुआ को नहीं फिर ब्याह कर दी जना फिर गीतन तो आप घर जुआ रहनो पड़ेगो बाबा तो की झुंझुनम रिया झुंझुनम जमिया अब नीम का थाना जानो पड़ेगो या तो ब्याह बाद में एक जोरा मदी जमा घर जुआ राख वाली सी बात हो रही है बाकी मैं कौन जानो चाहूँ नीम का थाना में मारा झुंझुनू में रहना चाहूँ देखो भाई साहब अगर कोई भी नया चीज होता है तो उसके लिए ये बोलते हैं कि ये बेहतरीन करने के लिए हुआ है लेकिन हम झुंझुनू के लिए एक ही बात करना चाहते हैं कि हमें नहीं चाहिए बेहतरीन हम बेहतर में ही खुश हैं जो आज भी कहीं भी अगर इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे ये बताने की जरूरी नहीं होती है कि हम राजस्थान के झुंझुनू से हैं वहाँ पे एक ही टैग रहता है कि आरजे 18 तो हम नहीं चाहते कि हमारे से हमारा टैग भी छीना जाए सीधी सी बात ये है।